हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के चलते जगह जगह पर तबाही हुई है और ब्यास नदी और पार्वती नदी के किनारे जगह जगह सैकड़ों मकानों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने ब्यास और पार्वती नदी के किनारे कई मकानों को खाली कराया और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा जा रहा है। तो बारिश ने काफी तबाही लाई है, कई जगहों पर लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं ऐसा भी हुआ है कि पानी ने जो है वो छोटे मोटे पुल पुलियों को भी बहाकर अपने साथ ले गए। कुल्लू में खासतौर से भारी बारिश के चलते जगह जगह पर तबाही देखने का मिल रही है। ब्यास नदी और पार्वती नदी के किनारे सैकड़ों मकानों में पानी घुस गया है। प्रशासन ने ब्यास और पार्वती नदी के किनारे कई मकानों को खाली कराया है और सुरक्षित स्थानों पर लोगों को भेजा जा रहा है। और अब आप ये पांच तस्वीरें देखिए, हम आपकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस जरिए से आप अंदाजा कर सकते हैं कि वहां बारिश ने किस तरह की तबाही मचाई है। शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, सोलन, मनाली तक तबाही मची हुई है। ये पांचों तस्वीरों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह न सिर्फ ये कि एक परेशानी खड़ी हो रही है, तबाही आ रही है, बल्कि खतरा भी है। सड़कों के किनारे खासतौर से खतरे मंडरा रहे हैं, लैंड स्लाइडिंग हो रही है, मिट्टी के बड़े बड़े तोदे खिसककर गिर रहे हैं, कई जगहों पर इससे नुकसान पहुंचा है। आप शिमला की तस्वीरें देखें, धर्मशाला की तस्वीरें देखें, सोलन की तस्वीर देखिए, किस तरह से एक कार जो है, एक वाहन, वो इस लैंड स्लाइडिंग के जद में आने से बचा है। तो काफ़ी इस वक्त माहौल और पूरा का पूरा जो इस वक्त जो वातावरण है उस पर इसका साफ असर देखा जा सकता है। और वहाँ पर लगातार ये अपील की जा रही है कि जब तक कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो आप घरों से बाहर ना निकलें, आप यात्राएं कम से कम करें, ऐसी अपील खुद सीएम ने भी की है। अब ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें आप देखिए किन्नौर है, देहरा है, नालागढ़ है, लाहौल स्पीति और मंडी, यहाँ भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, चाहे नदी हो चाहे नाले हो, हर जगह पानी जो है वो पूरे उफान के साथ बह रहा है। पानी में काफ़ी तेज़ जो है वो बहाव साफ देखा जा सकता है और इसका नतीजा है कि जल स्तर बढ़ने से जो निचले इलाके हैं वहाँ पर घरों में और जो रिहायशी इलाके वहाँ तक पानी घुस गया है। सड़कों पर पानी है, घरों में पानी घुस गया है, बाज़ारों के आसपास भी जो है वो पानी वहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि जो भी नदी नाले हैं वो बारिश के वजह से ज़बरदस्त उफान पर हैं। तो ये पांच तस्वीरें भी बता रही हैं किस तरह से हिमाचल में बारिश ने फिलहाल लोगों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल जो है वो खड़ा कर दिया है। इंतज़ामिया का भी एक तरह से इम्तहान है कि किस तरह से वो इन हालात से निपटती है, उसने पहले तैयारी के तौर पर क्या किया और अब वो किस तरह एक्शन में है। लोगों को लगातार ये सलाह दी जा रही है कि वो कम से कम यात्राएं करें, घरों से बाहर कम से कम निकलें। और ये पांच तस्वीरें किन्नौर की, देहरा की, नालागढ़ की, लाहौल स्पीति की और मंडी की बहुत कुछ कहानी बयां कर रही हैं।